भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कॉलेज छात्रों को हर साल 3000 रुपए यातायात भत्ता दिया जाएगा। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट और लैपटॉप मिलेगा। उन्होंने कहा कि 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री LPG सिलेंडर भी दिए जाएंगे। अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को एक जमीन मुफ्त दी जाएगी। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। 10 साल में राज्य का हुआ है और आ है। धारा 370 की बात बन गई है। अब ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के ताकतवर फैसले से हुआ। धारा 370 इतिहास बन गई है, हम इसे कभी आने नहीं देंगे। कहीं आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आए बगैर इनका मूल मकसद ध्यान से स्टडी कर लेना। उनका मूल मकसद है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने वो एजेंडा को अपनी मौन सम्मति दी है। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, क्या इस देश में दो ध्वज के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के साथ आप सहमत हो या नहीं वो बताइए। 370 के बारे में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस सहमत हो या नहीं वो बताइए। मित्रों, वो एजेंडा बहुत खतरनाक एजेंडा है। वो फिर से घाटी में और जम्मू में भय का राज प्रस्थापित करना चाहते हैं। आतंकवाद के माध्यम से भय कर 3-3 पीढ़ी तक शासन किया है। और मैं आज सबको बिना निसंकोच बताना चाहता हूं मित्रों कि मैं यहां घाटी में भी कई बार आया हूं, जम्मू में भी कई बार आया हूं। अब जो टेररिज्म के साथ है, जम्मू कश्मीर इनके साथ नहीं रहेगा। यहाँ की आवाम ने तय किया है कि हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता।